अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज कोसेट्स। ग्रुप थ्योरी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेट जी बी अ ग्रुप। अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप की वीडियो में मैंने आपको जी के बारे में डिटेल से, जो भी उसके चार एग्जाम्स थे उनके बारे में डिटेल से आपको बताया था। अब हमारे पास जो कोसेट्स हैं उसके अंदर हमने क्या करना है कि एक ग्रुप जी लेना है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। आपने एक ग्रुप जी लेना है। अब आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रुप जी जो है इसमें जो मैंने इसको डिफाइन करने के लिए लिया है वो मेरे पास जी ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मैंने इसमें ग्रुप जी लिया। अब उसी में ही मैंने क्या लिया, उसका एक एच सब ग्रुप लिया एंड एच बी एस सब ग्रुप ऑफ जी। अच्छा, सब ग्रुप में क्या होता है हमारे पास, देखिए सब ग्रुप की वही एक हिस्ट्री है। जैसे अगर मैं एक कोई सेट लेती हूँ, लाइक मैंने रियल नंबर्स का एक सेट लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक सबसेट लिया उसका, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स ले सकते हैं आप। देखिए ये सब के सब इसके क्या सबसेट्स हैं। ग्रुप में भी हमारे पास ये चीज़ इसी तरीके से ही चलती है। हम क्या करते हैं कि ग्रुप होता है हमारे पास और हम उसका क्या करते हैं, सब ग्रुप लेते हैं एच। सब ग्रुप जो भी हमने किसी भी ग्रुप का लिया होगा, ठीक है, जैसे एच मैंने एक सब ग्रुप लिया है, यानी वो उस ग्रुप का एक पार्ट लिया है मैंने, यानी वो इसका एक सबसेट है, एज अ सबसेट लिया है मैंने वो चीज़। तो जो उस ग्रुप जी में अगर वो ग्रुप मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप होगा तो जो आपने सब ग्रुप एच लिया होगा वो भी हमारे पास उसी रिस्पेक्ट से क्या होगा, ग्रुप होगा। यानी जो एग्जियम ग्रुप में सेटिस्फाई करते होंगे वही उस एच के यानी उसके सब ग्रुप में भी सेटिस्फाई करते होंगे। तो लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। फॉर ए इज बिलोंग्स टू जी। अब हमने क्या करना है, एक एलिमेंट ए लेना है जो कि उस ग्रुप जी का होगा, ठीक है, एंड वी डिफाइन। और हमारे पास कोसेट्स कैसे सेट्स को बोलते हैं, एंड वी डिफाइन ए। देखिए ए हमने जो एलिमेंट जी से लिया वो हमने यहाँ पर लिखना है, यानी लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और साथ में हमने एच के एलिमेंट्स लेने हैं। जो हमने उसका सब ग्रुप लिया है उसके एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, उस एक एलिमेंट से जो कि आपने जी ग्रुप से लिया है। सो ए एच इज इक्वल टू ए एंड कैपिटल एच इज इक्वल टू, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, यानी ए एच और एच इज बिलोंग्स टू एच, एज द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच एंड जी। एंड सिमिलरली राइट कोसेट के लिए आप क्या करेंगे कि वही जो ए होगा वो राइट साइड पे लिखा जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो ए होगा वो उसकी लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। तो ये लेफ्ट कोसेट्स की रिस्पेक्ट से जो ये कोसेट्स होंगे एच इन जी में, ठीक है, यानी जी के अंदर एच के कोसेट्स। और सिमिलरली द राइट कोसेट ऑफ एच एंड जी इज डिफाइन एज एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच बिलोंग्स टू एच। अब अगर आपने जी ग्रुप लिया है, ऐसा ग्रुप जो कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या होगा, एक ग्रुप होगा। अब एडिशन के रिस्पेक्ट से है तो अब उसके कोसेट्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन दी राइट कोसेट। अब राइट कोसेट को मैं किस तरीके से लिखूंगी उसका, इस तरीके से, ये देखें, एच प्लस ए इज इक्वल टू एच प्लस ए एंड एच इज बिलोंग्स टू एच, ठीक है। आप उसके अंदर क्या कर देंगे, एक एच को ऐड कर देंगे, सॉरी जो आपने ए एलिमेंट लिया है ना ग्रुप का, उसमें आप क्या करेंगे, एच के तमाम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। आप एक बात को नोट करेंगे इस चीज़ में कि जब भी ये सेट हमारे पास क्या होगा, ये एक नया बनने वाला सेट है, ठीक है, ये सेट कैसा है, एक नया बनने वाला सेट है। को सेट के लफ्ज़ से ही आपको पता चल रहा है कि हमने क्या करना है कि ग्रुप ए में से एक एलिमेंट को पकड़ना है और एच के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियस सी बात है एक नया सेट ही जनरेट होगा। वो सेट हमारे पास क्या करेगा, कोसेट्स कहलाता है। अब मैंने ये जो लिखा है एडिशन के रिस्पेक्ट से लिखा, राइट कोसेट लिखा, तो क्या करेंगे, उस ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर रही थी उस ग्रुप के एलिमेंट को, इसमें मैंने क्या करना है, उस ग्रुप के एलिमेंट को ऐड कर देना है। अगर लेफ्ट साइड से ऐड करूंगी तो वो मेरा लेफ्ट कोसेट होगा, ठीक है, और अगर राइट साइड से ऐड करूंगी तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस स्मॉल एच एंड एच इज बिलोंग्स टू एच, ठीक है। यानी यहाँ पर भी एक सेट की सूरत में एक हमारे पास जनरेट हो जाएगा एक सेट। अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। लेट एग्जाम्पल में लेट मैं एक ग्रुप लेती हूँ जी, जो कि मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स का है।
सेट ऑफ रियल नंबर्स का मैंने एक ग्रुप लिया। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स मेरे पास ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मैं क्या बात करूंगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट से ये ग्रुप है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब मैं इसका एक सब ग्रुप लेती हूँ, लाइक अगर मैंने इसका एक सब ग्रुप लिया है एच फॉर एग्जाम्पल, जो कि मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स इट्स अ जीरो प्लस माइनस वन एंड द प्लस माइनस टू सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास कोसेट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि हमने ग्रुप जी में से एक एलिमेंट को लेना है। मैं फॉर एग्जाम्पल लेट वन ओवर टू इज बिलोंग्स टू जी, ग्रुप जी में से मैंने एक एलिमेंट उठाया वन ओवर टू। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात की है कि मैंने कि ये एक एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप है, तो चले अब मैं इसके कोसेट्स आपको बताती हूँ कि कोसेट से हमारे पास क्या होगा, देन एक नया सेट जनरेट हो जाएगा लाइक दिस। अब हमारे पास क्या होगा एच प्लस ए। ठीक है, मैं लेफ्ट कोसेट आपको इसका बताती हूँ किस तरीके से होगा। इट्स अ एच प्लस वन ओवर टू, हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना कि हम उस एलिमेंट को जो आपने ग्रुप में से उठाया उसको यहाँ पर लिख दिया। यानी इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, एच प्लस, यानी तमाम एलिमेंट्स जो कि आपने एच से लिए हैं और उनमें हर दफ़ा वन ओवर टू को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, एंड एच इज बिलोंग्स टू एच दिस रिप्लाइज डेट, इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, एक नया सेट जनरेट हो जाएगा। देखिए जीरो में आप वन ओवर टू को ऐड करेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा, फिर इसी तरीके से आप प्लस वन में वन ओवर टू को प्लस वन और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन ओवर टू। ठीक है, और फिर प्लस माइनस थ्री बाई टू एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास एक नया सेट, आपने देखा कि एक को सेट हमारे पास जो कि मेरे पास लेफ्ट को सेट है ये जनरेट हो गया। राइट को सेट्स भी हम बिल्कुल इसी तरीके से इसका कैसे लिखेंगे, ए प्लस एच इज इक्वल टू वन ओवर टू प्लस एच एंड द वन ओवर टू प्लस एच एंड एच इज बिलोंग्स टू एच, ये मेरे पास क्या होगा, इट्स अ राइट को सेट। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, इट्स एग्जांपल नंबर वन एंड द एग्जांपल नंबर टू हमारे पास क्या है कि लेट, मैंने अब विद रिस्पेक्ट टू आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन भी बता दूँ कि अगर एक मैं ग्रुप लेती हूँ जो कि मेरे पास सेलेक्ट, मैंने एक ग्रुप लिया आई माइनस आई वन एंड ठीक है माइनस वन, मैंने ये ग्रुप लिया है, ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कि इसका मैंने एक सब ग्रुप खुद से ले लिया। सब ग्रुप का मतलब तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया कि वो उसका एक सबसेट ही होता है, लेकिन वो तमाम प्रॉपर्टीज अपने अंदर होल्ड करता है जो एच में भी हो। लाइक मैंने इसको वन और माइनस वन ले लिया इसका सब ग्रुप खुद से। अब मैंने कोई सा जी का एक एलिमेंट को खुद से लेना है, ठीक है, लेफ्ट को मैंने ले लिया। अब मुझे पता है इसके अलावा, ठीक है, इस एच के अलावा मैंने कोई सा एक एलिमेंट लेना है, तो लेफ्ट मैंने क्या किया कि मैंने आई एलिमेंट ले लिया जो कि मेरे पास किस में से होगा, जी में से बिलोंग करेगा। तो अब हम इसके लेफ्ट कोसेट को बताते हैं। लेफ्ट कोसेट हमारे पास क्या होंगे, इट्स अ एच आई। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, एच आई एंड एच इज बिलोंग्स टू कैपिटल एच, इट्स अ लेफ्ट कोसेट। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट जनरेट हो चुका। अब लेफ्ट कोसेट्स में किस तरीके से लिखेंगे, आप इसमें क्या करेंगे कि आई को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब आई को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आई आ जाएगा, अब इस आई को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा। तो यू लुक एट दिस कि ये हमारे पास एक न्यू सेट जनरेट हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स अ लेफ्ट कोसेट। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसका राइट कोसेट भी बना लेंगे, जैसे आई एफ के रिस्पेक्ट से इस तरीके से लिखकर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से एक ग्रुप जी को लेते हैं, फिर एक सब ग्रुप लेते हैं, और किस तरीके से हम अपने लेफ्ट और राइट कोसेट्स को जनरेट कर लेते हैं, बनाते हैं, और उससे बनता है हमारे पास एक न्यू सेट जनरेट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कोसेट से रिलेटेड जो थ्योरम्स होंगे उनको डिस्कस करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।